गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा शुरू करने से पहले रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली कक्षा में आप सब ने क्या-क्या सीखा था। आप सभी ने पेंट की शीट में टाइप कौन से टूल की मदद से करते हैं? हम पेंट की शीट में टेक्स्ट टूल की मदद से टाइप करते हैं। स्पेशल की कौन सी होती है? अल्फ़ाबेट्स और नंबर की को छोड़कर सभी स्पेशल की होती हैं, जैसे कि टैब, एस्केप, कंट्रोल, एक्सेट्रा। बैकस्पेस की का उपयोग क्यों करते हैं? बैकस्पेस की का उपयोग आप सब किसी भी वर्ड को मिटाने के लिए करते हैं। एंटर बटन का उपयोग क्या होता है? एंटर बटन से हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं एमएस पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को टचपैड या माउस के द्वारा स्टार्ट बटन पर लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उसके बाद लेफ्ट बटन को क्लिक करें। एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर ऑल प्रोग्राम लिखे हुए ऑप्शन पे अपने पॉइंटर को लेकर आए और लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें। अब इस बॉक्स पे एसोसरीज लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढें और उस पर लेफ्ट बटन क्लिक करें। इसके अंदर आपको पेंट लिखे हुए ऑप्शन पे अपने पॉइंटर को लेकर आना है और टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी एमएस पेंट की फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वीक का पहला दिन कुछ नया सीखते हैं और उसके अगले दिन आप सभी उसी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं। तो आज आप सभी सिर्फ टाइपिंग करेंगे। हम आज की कक्षा में फ्रूट्स, शेप, नंबर और ऑब्जेक्ट्स के नाम टाइप करेंगे। आइए अब हम टेक्स्ट टूल की मदद से टाइप करना शुरू करते हैं। सामने दिए गए चित्र को देखें और उनके नाम टाइप करें। पहला चित्र आपके सामने एप्पल का है, तो आपको अब टेक्स्ट टूल के अंदर एप्पल टाइप करना है। जैसे आप सब एप्पल टाइप कर लें, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर बटन को दबाएं और दूसरी लाइन में बनाना लिखें। फिर अब आप एंटर बटन का प्रयोग करें और ऑरेंज टाइप करें। अब आप सबको सामने दिए गए शेप्स को देखकर उनके नाम लिखना है। सामने दिखाए जा रहे हैं चित्र को देखें और बताएं कि इनको क्या कहते हैं। सबसे पहला चित्र ओवल या सर्कल का है, तो आपको ओवल या सर्कल टाइप करना है। दूसरे लाइन में जाने के लिए एंटर का प्रयोग करें और ट्रायंगल टाइप करें। फिर से एंटर बटन का प्रयोग करें और अब स्क्वायर टाइप करें। अब आप सभी को ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखना है। सामने दिखाए जा रहे चित्र को देखकर इनके नाम लिखें। होम टाइप करें। टाइप करने के बाद एंटर बटन का प्रयोग करें और फिर दूसरी लाइन में ब्लैक बोर्ड लिखें।
फिर एंटर बटन का प्रयोग करें, बुक्स टाइप करें। फिर एंटर बटन का प्रयोग करें और अब रोज टाइप करें। फिर अगली लाइन में जाएं, लैपटॉप टाइप करें। एंटर बटन का प्रयोग करें और अब डेस्कटॉप कंप्यूटर टाइप करें। फिर नेक्स्ट लाइन में सनफ्लावर टाइप करें। नेक्स्ट लाइन में फुटबॉल टाइप करें। फिर अब नेक्स्ट लाइन में अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम लिखें। अब आप सबको नंबर के बारे में लिखना है। जैसे अगर आप सबको एक लिखना है तो आप सब उसे अंग्रेजी के भाषा में वन यानी कि ONE टाइप करेंगे। वैसे ही बाकी के अंकों के नाम अंग्रेजी में टाइप करें। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। सभी अपनी अपनी फाइल को क्लोज करेंगे। आइए अब सीखते हैं कि फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। पेंट की फाइल को क्लोज करने के लिए आप अपने कर्सर को क्लोज बटन पे, जो कि ऊपर दाहिने साइड कोने में है, यहाँ पर लेकर आए। जैसे ही आप अपने पॉइंटर को यहाँ पे लाएंगे, क्लोज लिखा हुआ एक बॉक्स आएगा, उस पर क्लोज करें और फिर आपके पेज पर ऐसा बॉक्स आएगा जिसमें कि तीन ऑप्शन दिए गए हैं, सेव, डोंट सेव, कैंसिल। क्योंकि आपको इस फाइल को सेव नहीं करना है, इसलिए आप डोंट सेव पर क्लिक करते हैं, जिससे कि आपकी पेन की फाइल क्लोज हो जाएगी। जैसे ही आप डोंट सेव पर क्लिक करेंगे, आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर आएं, उसके बाद इस स्टार्ट बटन पर अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें। जैसे ही आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शटडाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहां पे अपने पॉइंटर को लेकर जाना है। इस शटडाउन ऑप्शन पे पॉइंटर रखने के बाद अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। आज की कक्षा में आप सब ने पेंट की फाइल में टाइपिंग करना सीखा। आज की कक्षा में आप सब ने फ्रूट्स, नंबर और ऑब्जेक्ट्स के नाम टाइप किया।